मुख्यमंत्री जी को न तो जुडिशरी में विश्वास रहा है, न अपनी पार्टी के मंत्रियों पर विश्वास रहा है, न अपनी पार्टी के विधायकों पर विश्वास रहा है। इनको किसी पर विश्वास नहीं और राजस्थान की जनता का उन पर विश्वास नहीं, वो विश्वास खो चुके हैं जनता का, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी रोज सामने आ रही है। मैं सोचता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया पे इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना, आप कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसके खिलाफ इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना, आपने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है और कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसको आपको तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को अब डर लगने लग गया है सत्ता जाने का, और जो काले कारनामे हुए हैं, जो उनकी सरपरस्ती में हुए हैं, उनकी जांच होगी तो क्या होगा ये डर। अरे आप किसी को मुफ्त में अनाज दे रहे हो, पोषण दे रहे हो, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसमें भी उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, मिलावटी चीजें आप उसको खिलाने का काम कर रहे हो। हर योजना के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा आधार है और उस आधार के बिना कोई काम नहीं। मैं सोचता हूँ बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार, अन्नपूर्णा योजना में भ्रष्टाचार, चिरंजीव योजना में भ्रष्टाचार, अपने बच्चों के पोषाहार योजना में भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ तो भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, सर तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है। तो अब मुझे लगता है कि इनको किसी पे विश्वास नहीं और जनता को इन पर विश्वास है। देखिए पहले आपने जिन अधिकारियों के एसीबी से जांच कराई है, एसीबी ने मुकदमा किया है, उनके खिलाफ तो जांच करने की हिम्मत उठा लो। और आपके मंत्रियों और विधायकों ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कृपया करके अपने गिरिबान में जाकर उन पर जांच करा दें। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमी को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये, और फिर संविधान के खिलाफ भी बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले तो सर क्या इनको सलाह देंगे आप? वो चल हो गया ना शायद, फिर कार्रवाई पीआईएल होगी, अपना आप करेंगे, जुडिशरी का काम है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब कलेक्टर थे तब बहुत आरोप लगाए। मैं कलेक्टर था तो आप भी जाके पता कर लो चूरू में, मेरे जाने के बाद एक किताब लिखी एक कलेक्टर ऐसा भी। अरे हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं भाई, हमारा आचरण ईमानदार है, सुबह से लेकर शाम तक इसी काम को करते रहते हैं। लाल डायरी पे कुछ बोलेंगे आप? भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी वो, इसलिए उसका छिपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी का सहारा लेते हैं। राजेंद्र गुड़ा जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब उन पे आरोप लगा रहे हैं लाल डायरी, नहीं नहीं लाल डायरी के मैं कारनामे छिपे हुए ना, इनके डायरी वो लाल है लेकिन अशोक गहलोत जी के काले कारनामे उस लाल डायरी में छिपे हुए।